वैसे तो ज्यादातर मुस्लिम देश इसराइल से नफरत करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो इसराइल का एक परम मित्र है, जिसकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है और यहाँ 97% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, जिसमें ज्यादातर संख्या शिया मुसलमानों की है। फिर भी इस देश के लोगों के बीच इसराइल के प्रति गजब का प्रेम है, जिसे आप देखकर आज चौंक उठेंगे। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यह एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ आर्टिकल 18 के अनुसार सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर अजरबैजान और इजराइल का लोकेशन देखिए। इन दोनों देशों के बीच दोस्ती मीडिया में सिर्फ 1% ही नजर आती है, जिसे कि टिप ऑफ आइसबर्ग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह दोनों देश दोस्ती की गहराइयों की सभी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीन पर तैरते हुए सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। When did Israel and Azerbaijan officially establish diplomatic relations? इसका सही जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। नक्शे पर आप देख सकते हैं कि अजरबैजान की बॉर्डर ईरान से लगती है। इसी कारण अजरबैजान इसराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश बन जाता है। इसराइली लड़ाकू विमान अजरबैजान की धरती से उड़ान भरकर ईरान की राजधानी तेहरान पर बेहद जल्दबाजी में बमबारी कर सकते हैं। ईरान के बारे में आप सभी को पता है कि यह इसराइल के लिए खतरा पैदा करने वाला देश है, लेकिन इसराइल के साथ साथ अजरबैजान के लिए भी ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नक्शे पर अजरबैजान और तुर्की के बीच आपको एक छोटा सा देश नजर आ रहा होगा, वह आर्मेनिया है। आर्मेनिया के ठीक ऊपर जॉर्जिया है और उसके ऊपर रूस है। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया यह सब देश पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब साफ है कि इसराइल और अजरबैजान दोनों मिलकर ईरान को नक्शे से एलिमिनेट करना चाहते हैं। ईरान आर्मेनिया की मदद करता है और इसी कारण ईरान अजरबैजान के लिए खतरा बन गया है। वैसे अजरबैजान आर्मेनिया के साथ युद्ध में उलझा रहता है और कई बार इजरायली हथियारों के दम पर आर्मेनिया को बुरी तरह हरा भी चुका है, लेकिन अजरबैजान आर्मेनिया को अपने लिए एक बड़ा खतरा नहीं मानता। आर्मेनिया एक छोटा मुस्लिम देश है जिसका पॉपुलेशन लगभग 27 लाख के आसपास है, जबकि अजरबैजान की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। तो वहीं अगर दोनों देशों की जीडीपी की बात करें तो अजरबैजान की जीडीपी $72 बिलियन के करीब है, जबकि आर्मेनिया की जीडीपी मात्र $27 बिलियन के आसपास है। अजरबैजान पिछले कई दशक से इजरायली हथियारों का बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है, हालांकि इसमें से ज्यादातर काम पर्दे के पीछे चलते रहे हैं। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, साल 2018 से 2022 के बीच अजरबैजान इजरायली हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। साल 2017 से 2020 के बीच अजरबैजान ने अपने कुल हथियार इंपोर्ट का 60% अकेले इजराइल से मंगाया था। कई रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने साल 2019 तक अपने 70% हथियार अकेले इजराइल से ही मंगाए थे। इसके बाद में तुर्की भी वहां डोमिनेंट प्लेयर बनने लगा। इस दौरान अजरबैजान ने इजराइल से कई प्रकार के हथियार, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम मंगाए थे, जिसमें लोरा मिसाइल, स्काई स्ट्राइकर्स, बराक एमएक्स मिसाइल, इंटरसेप्शन सिस्टम चर्चा में बनाए रहे थे। सिप्री के अनुसार साल 2018 से 2022 के बीच पहले नंबर पर भारत है, जो इस अवधि में कुल इजरायली हथियार एक्सपोर्ट का 37% अकेले ले गया है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर 9.1% के साथ अजरबैजान है, तो वहीं 8.5% के साथ फिलीपींस है। इसराइल के अलावा तुर्किश हथियारों का भी इस्तेमाल अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ करता रहा है। नागोनो काराबार के लिए आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में अजरबैजान ने इसराइल और तुर्कों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था। अब ऐसा नहीं है कि इसराइल एक तरफा इस मुस्लिम देश को केवल हथियार भेजता है, बल्कि साल 2021 में इसराइल अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 65% अकेले अजरबैजान से ही मंगाया था। इसराइल पर हमास हमले के बाद ज्यादातर मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए और उसे ईंधन देना बंद करने लगे, लेकिन अजरबैजान गाजा युद्ध के बावजूद लगातार इसराइल को एनर्जी सप्लाई कर रहा है और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। इसराइल पर हमास हमले के बाद सभी को लगा था कि साल 2020 में अमेरिका द्वारा लाया गया अब्राहम एकॉर्ड बुरी तरह से हो जाएगा। यह अकॉर्ड जो इजराइल और अरब के मुस्लिम देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने का काम करता है, अगर हमास अपने मकसद में कामयाब होता तो इससे सीधे सीधे ईरान और रूस जैसे देशों को फायदा होता, जो हमेशा अमेरिकी और इजराइल के खिलाफ खड़े रहते हैं। हालांकि कुछ हद तक हमास अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, लेकिन अजरबैजान, यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को पहले से और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। 1990 के बाद अजरबैजान ने अपने इकोनॉमी में इसको लिबरलाइज कर दिया, जिसके
बाद इसराइल ने अजरबैजान के मार्केट को पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा इसराइली कंपनियां अजरबैजान में एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही। इस तरह से देखा जाए तो आर्मेनिया के मुकाबले अजरबैजान इसराइल के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी कारण साल 2016 में इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट को लेते हुए अजरबैजान के समर्थन में आवाज उठाई थी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के लिए आर्मेनिया को दोषी ठहराया था। अब जरा स्क्रीन पर आप उस मैप को फिर से देखिए। तुर्की, अजरबैजान, ईरान और इसराइल मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ईरान को टारगेट करने के लिए अजरबैजान तुर्की और इसराइल को साथ लाने का हमेशा प्रयास करता रहा है। यह उसके फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा एजेंडा भी है। जब कभी भी तुर्की और इसराइल के बीच रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तो अजरबैजान एक मुख्य मेडिएटर के तौर पर सामने आता है। 1991 में सोवियत यूनियन विघटन के बाद तुर्की और इसराइल उन प्रथम देशों में से थे जिन्होंने अजरबैजान को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया। अजरबैजान एक शिया बहुत मुसलमानों का देश है, लेकिन सुन्नी होते हुए तुर्की ने इस देश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। तभी से ही अजरबैजान के लिए तुर्की और इसराइल बेहद महत्वपूर्ण दोस्त साबित होते नजर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसराइल और अजरबैजान के रिश्ते पर्दे के पीछे काफी गहरे हैं। एक बार फिर एक अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल की जानकारी लीक हो गई, जिसमें पता चला कि इसराइल और अजरबैजान के बीच 90% रिश्ता पर्दे के पीछे ही चलता है, जबकि केवल 10% ही बाहर से दिखता है। इस पूरे रिश्ते को टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह आ गया था। इन दोनों के बीच रिश्ता कितना हिडन रहता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इजराइल ने अजरबैजान देश को आज से लगभग 30 साल पहले यानी कि 1991 में ही स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। दोनों देशों के बीच साल 1992 से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन अजरबैजान ने अपना पहला एजेंसी इजराइल में 3 दशक बाद यानी कि 29 मार्च 2023 को खोला था, जिसे एक हिस्टोरिक डे माना जा सकता है। इजराइल और अजरबैजान के गहरे रिश्ते के पीछे ईरान का एक बड़ा है। दुनिया भर में ईरान के बढ़ते प्रभाव से अजरबैजान भली भांति वाकिफ है। ऐसे में उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो ईरान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर आर्मेनिया के लिए जरा भी सिंपैथी नहीं है, क्योंकि उसे ईरान का एली माना जाता है। जब अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर खूनी हमला किया था, उस वक्त पूरा अजरबैजान खून के आंसू रो रहा था। इस हमले के बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित इजरायली एजेंसी के लिए अजरबैजान के लोगों ने खूब सारे फ्लावर, टेडी बियर और प्रेयर्स भेजे थे। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अजरबैजान में मौजूद इजरायली राजदूत ने एक बेहद इमोशनल पोस्ट ट्विटर पर लिखा था। उन्होंने अजरबैजान के लोगों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया और इस कठिन समय के साथ देने के लिए धन्यवाद भी दिया था। अजरबैजान के लोगों और वहां के प्रमुख नेताओं में इजरायल के प्रति गजब का पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। इजरायल और अजरबैजान के रिश्ते में ईरान का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी है। 27 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे तेहरान में मौजूद अजरबैजान के एम्बेसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में अजरबैजान के एक सिक्योरिटी गार्ड मारे गए और 2 एम्बेसी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स घायल हो गए। इसके बाद अजरबैजान ने तेहरान से अपने सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि साल 2008 में ईरान समर्थित हिजबुल्ला मिलिटेंट्स ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित इजरायली एम्बेसी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। हालांकि वह सफल नहीं हो सके। इस हमले के लिए इजरायली एम्बेसी बिल्डिंग के आसपास 3-4 कार बम को फिच किया गया था। ईरान के द्वारा प्लान किए गए इस तरह के हमले इजराइल और अजरबैजान को और करीब ला चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अजरबैजान के साथ मिलकर इजराइल कई सारे सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने अपने एयर बेसिस का एक्सेस इजराइल को दे दिया है, जहां से इजराइल के स्पाई ड्रोन और लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। आइए अब आपको कुछ सवाल का जवाब दे देते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इजराइल और अजरबैजान ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द ईयर 1992। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। क्या हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने चाहिए, और आप हमें नीचे कमेंट में टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तुरंत आ रही हूँ एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।